सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका तो जैसे फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऐसे एक्वेरियम में। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एक्वेरियम बिल्कुल क्लियर रहे, क्रिस्टल रहे वाटर, और पूरी तरीके से जो आपके एक्वेरियम के अंदर जो फिश का फूड होता है या पूप करता है, जो नीचे बैठ जाता है, वो नीचे ना बैठे और वो सीधा फिल्ट्रेशन के थ्रू काफ़ी अच्छा साफ़ रहे, तो मैं आज आपके लिए एक चीज़ लेकर के आया हूँ। तो आप बताना वो कैसी है चीज़। तो दोस्तों, हम अपने एक्वेरियम के लिए लेकर आए हैं ये सोबो का वेव मेकर, जो कि आप देख सकते हैं 400 एम इसका मॉडल है, WP 400 एम, और इसमें जो बिजली कंजप्शन है वो काफ़ी कम है, आपका 15 वाट में ये चलता है। और आप इसको अपने एक्वेरियम में डालेंगे तो फिशेस को बिल्कुल ऐसी फील आएगी कि जैसे वो समंदर में या अपना कहीं नदी वगैरह में तैर रही है, क्योंकि ये क्या है कि पानी के अंदर वेव्स बनाता है, यानी कि पानी के अंदर लहरें बनाता है, जिससे फिश को लगता है कि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रही है। तो चलिए, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने एक्वेरियम के अंदर और इसको लगा करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से काम करता है। बाकी इसके काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, तो मेरा टैंक बड़ा है तो इसीलिए मैंने ये वाला मॉडल लिया है। बाकी आप अपने टैंक के हिसाब से अपना वेव मेकर चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा लगाना है। तो इसका भी मैं इंस्टॉल करके इसको फिर आपको दिखाता हूँ चला के कि किस तरह से काम करता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने अपने एक्वेरियम में जो वेव मेकर है वो इंस्टॉल कर दिया है, लगा दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरे जो एक्वेरियम में नीचे की तरफ जो गंदगी बैठी हुई थी, अभी एक्वेरियम में आपको दिख रही होगी, पूरी में भागती हुई नज़र आ रही होगी। वो क्या है कि अब ये चलेगा तो सारी गंदगी वेव मेकर के थ्रू, वो वेव मेकर उसको जो है हमारे फिल्ट्रेशन में पहुंचा देगा, जिससे कि हमारे एक्वेरियम में जो भी नीचे बैठी हुई गंदगी है वो बैठेगी नहीं और सारी साफ़ हो जाएगी अच्छे से। तो ये फ़ायदा होता है आपके वेव मेकर। चलिए, मैं अभी आपको थोड़ा नज़दीक से और दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने उसको इंस्टॉल किया है। एक मिनट रुकिए, अभी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे हमने वेव मेकर अपना इधर की तरफ लगाया है और थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है, पूरा वर्क कर रहा है। यहाँ से दिखाता हूँ साइड से आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये हमने अपना अंदर की तरफ लगाया है वेव मेकर और ये पूरा अच्छे से काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास। WP 400 एम इसका मॉडल है, सोबो का वेव मेकर आता है। और मैं ऊपर से भी आपको एक बार पानी का दिखाता हूँ कि क्या है फ्लो। आपको शायद ऊपर से अच्छे से नज़र आ रहा होगा, देखिए किस तरह से पानी में पूरा लहरें बनी हुई हैं। ये जो लहरें बन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इस वेव मेकर की मदद से ही हमारी इसमें एक्वेरियम में पूरी अच्छी तरह से लहरें बन रही हैं। अभी थोड़ा और क्लोजली दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये पानी के अंदर आप देख सकते हैं, तो इससे क्या है कि हमारा फ़िल्टर बहुत अच्छा होगा पानी, और जो एक्वेरियम है वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल रहेगा। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे तो एक्वेरियम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। थोड़ा कैमरा गड़बड़ कर रहा है, अभी दिखाता हूँ। देखिए, अभी आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा होगा। तो ये जो गंदगी है वेव मेकर इसको पूरा अच्छी तरीके से फेंक रहा है, देखिए आपको नज़र आएगा। ये देखिए, जैसे जो भी चीज़ें इसके सामने आ रही हैं वो सब गंदगी को फेंक रहा है और पूरा अच्छे से साफ़ कर रहा है। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों आपके वेव मेकर का। तो मैं भी चाहूँगा कि आप अपने वेव मेकर एक्वेरियम में इंस्टॉल करें, लगाएं, जिसकी मदद से आपका एक्वेरियम साफ़ हो जाए। और ये हमारा थोड़ी बहुत देर में, आधे घंटे में, जितनी भी डस्टिंग आपको उड़ती हुई नज़र आ रही है, ये नीचे बैठा हुआ फूड और फिश की पूप है जो बैठ जाती है डस्ट में, इसमें रेत में बैठ जाती है जो हमने सैंड डाली हुई है। अब इससे ये पूरे एक्वेरियम में घूम जाएगी और पूरा एक्वेरियम हमारा क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी केवल आधा घंटा हुआ है, और आधे घंटे में आप देख सकते हैं कि पहले से कितना ज़्यादा वेव मेकर ने जो है एक्वेरियम में बिल्कुल क्लीनिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये फ़ायदा होता है वेव मेकर का। और अभी मैं आपको एक घंटे बाद का और दिखाता हूँ वीडियो। तो दोस्तों ये देखिए यार, ये कैमरा क्या हो गया भाई, एक मिनट। हाँ, तो अभी मैं आपको पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये एक घंटा हो चुका है पूरा का पूरा, अभी इसमें वेव मेकर को लगेगा। और देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो मेरा एक्वेरियम है वो क्लीन हो चुका है। तो जितना भी इसमें आपका फूड वगैरह या जो नीचे पूप वगैरह बैठ जाता है, वो सब पूरा एकदम क्लियर हो चुका है, सारा का सारा सम फिल्टर में चला गया है। तो देखिए, वेव मेकर इस तरह से काम करता है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल वाटर कर देता है आपका एक्वेरियम का, जिससे कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा नहीं बन पाता है एक्वेरियम में, नीचे फिल्ट्रेशन में चला जाता है सारी गंदगी, और जिसको हम बाद में अपना वीकली साफ़ कर लेते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपका वेव मेकर का। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने एक्वेरियम में वेव मेकर ज़रूर लगाएं। बट
वो डिपेंड करता है कि आपके एक्वेरियम की कैपेसिटी कितनी है और आपके वेव मेकर कौन सा चाहिए एक्वेरियम के लिए। अभी जैसा आप देख सकते हैं मेरा 1000 गैलन का है, तो इसमें क्या है कि 1000 लीटर का है सॉरी, तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो वेव मेकर है वो मैंने 4 फिट के हिसाब से लगाया हुआ है। तो आपका जितने फिट का एक्वेरियम है उसी अपने इसके हिसाब से आप देख लें कि वेव मेकर कितना पानी को पर लीटर हावर में क्लियर कर रहा है, घुमा रोटेट कर रहा है, उसमें वेव बना रहा है, तो उसी हिसाब से लगाया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई भी कमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड बाय बाय, टेक केयर।